सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत परेशान किया मैसेज डाल के कि सर एफएम का आईएमपी क्वेश्चन, एफएम का आईएमपी क्वेश्चन। तो एफएम का आईएमपी क्वेश्चन हम लोग लेके आए, थोड़ा सा लेट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज मैं कॉलेज में पढ़ा था और कॉलेज के काम की वजह से वीडियो डालने में लेट हो जाता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू टीवाई बाय फिफ्थ सेम इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। बिकॉज सब सब्जेक्ट तो ईजी है लेकिन एफएम में कहीं पे प्रॉब्लम होता है, स्पेशली रिगार्डिंग थ्योरी क्वेश्चन। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा लेट हो गया, ओके एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसका सोल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपको ये शॉर्ट नोट का आंसर भी चाहिए ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपने बुक नहीं खरीदा होगा, तो हम लोगों का एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए शॉर्ट नोट का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बागवेसर टेलीग्राम चैनल, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको इसका पीडीएफ आंसर सब शॉर्ट नोट्स का मिल जाएगा। ठीक है, सो उतना आपका टाइम से होगा, लास्ट मोमेंट पे भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो। रही बात प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे हम लोगों ने पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स्ड पैटर्न बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको पास होना है इन एफएम, एक स्टूडेंट ने मैसेज भेजा था सर सिर्फ पास होना है, ओके तो पास होने के लिए आपको तीन चैप्टर्स अच्छा स्कोर करना है। तो भी एक है उसमें से कैपिटल बजटिंग, जिसमें पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पढ़ना है, ओके एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ARR, ये सब आना चाहिए। दूसरा चैप्टर है क्रेडिट मैनेजमेंट, ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा सा फॉर्मेट पढ़ोगे आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड चैप्टर जिसका क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, 2018 2019 में भी पूछा था, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज का क्वेश्चन है, एंड YTM थोड़ा सा आएगा आपको, तो अच्छी बात। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है, इसके बाद के वीडियोज में। हो सकता है थोड़ा लेट आ जाए वीडियो, लेकिन एग्जाम में जाने के पहले कोई भी वीडियो मिस मत करना, एंड फॉलो करना अपना यूट्यूब चैनल भी एंड टेलीग्राम चैनल भी। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं, ये पहले ही बता दिया क्योंकि बाद में आप लोग देखोगे नहीं क्वेश्चन मिलने के बाद। सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। मिक्सअप क्वेश्चन है बहुत सारे, चैप्टर वाइज नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी 5 C's ऑफ क्रेडिट, ओके उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल टू मैच्योरिटी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं YTM, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख दोगे। नेक्स्ट वन इज पे बैक पीरियड, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, बहुत ईजी है, लिख सकते हो इसके बारे में, थोड़ा एक बार पढ़ोगे तो भी। नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है ARR, वो आना चाहिए। क्या होता है उसका फॉर्मूला, क्या होता है, कौन सा ARR वाला प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज MM अप्रोच, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं मोदी ग्लियानी मिलर अप्रोच, दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, उसके कौन से टाइप होते हैं, बहुत बड़ा आंसर आपको मिलेगा, बट आपको अपने एंड पे जो आप लोग लिख सकते हो उतना आपको लिखना आना चाहिए। सो दीज आर फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, 8th वन भी है, IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना होगा। सो दीज आर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी बाकी है, यहाँ पे वीडियो खत्म हुआ नहीं है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इसके लिए थोड़े से एडिशनल भी पढ़ लेना। ठीक है, एक बार पढ़ोगे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिख पाओगे, कुछ ना लिखने से कुछ लिखना अच्छा है। 5 नहीं मिला, एटलीस्ट 2-3 मार्क्स भी मिल जाएगा, थोड़ा सा धक्का लग के आप पास हो जाओगे। ठीक है, सो दीज आर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रिसीवेबल्स। अकाउंटिंग रिसीवेबल्स मतलब जो आपने उधारी पे सेल किया था डेटर्स को, वो कैसे रिकवर होगा, उसके बारे में आपको शेड्यूल्स बनाना होता है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका मतलब कंपनी का, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड, ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस वगैरह, रिस्क एंड ऑल, तो आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हो, पीडीएफ जरूर देखना प्लीज अपने टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट वन इज नंबर 11, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एट कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में आपको, ये भी आपको पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा। 12 नंबर इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग के कौन से प्रोसेस है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, देर आर 6 स्टेप्स, कौन सा है वो पढ़ लेना।
नेक्स्ट नंबर 13 इज एजिंग शेड्यूल. अगेन दिस इज रिलेटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल. यू कैन रीड इट इन पीडीएफ. क्वेश्चन नंबर 14 इज ट्रेड ऑफ थ्योरी. क्या होता है लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी दैट यू कैन सी. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में आपको लिखना होगा. नंबर 16 दैट इज सिनारियो एनालिसिस. पढ़ोगे विद वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स. ये आपको ऑलरेडी कवर हो जाएगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिक आपको ये पढ़ना है दैट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम. सो ये जो मैंने आपको बताया वो आपको पढ़ना ही है. एडिशनल अगर आपको लगता है, आई एम श्योर के 17 के बाद आप ज्यादा कुछ पढ़ोगे नहीं, लेकिन 17 है, लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप एक बार नजर भी मार लोगे जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर करने वाला हो, डेफिनेटली वो जो 12-15 जो होंगे शॉर्ट नोट, उसमें से दो शॉर्ट नोट्स तो कन्फर्म आएगा. और अगर थोड़ा सा घुमा के भी आया तो आप लोग अपने नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हो. उसके लिए वो पीडीएफ जरूर रेफर करना ऑन बागवेसर टेलीग्राम चैनल. सो क्विकली हम लोगों ने देख लिया ये टोटल पहले के क्वेश्चंस, फर्स्ट 8 क्वेश्चंस. ओके, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर. और ये 9 क्वेश्चन, ऐसे 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एफएम. रही बात प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल का वीडियोस भी लगातार आता रहेगा, रात तक जाग के आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग एफएम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सको. लेकिन एक काम जरूर करना, ये जो वीडियोज है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करो, पीडीएफ शेयर करो, ताकि वो लोग सभी लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग बागवेसर्स, ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड ऑल द बेस्ट.